हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तानाजी द अनसंग वॉरियर और अजय देवगन से जुड़ी हुई एक ऐसी बात बताऊंगा, वाकई में आप लोग सुन के शॉक हो जाओगे। और जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ टाइम पहले कुछ लोग मुझे कुछ गालियां भी देते थे और कुछ बुरा भला भी बोलते थे। सभी के सभी अब परफेक्ट हो गए हैं और मज़ा आ रहा है आप लोग के साथ बात करने में। वहीं अगर मैं बात करूं तानाजी द अनसंग वॉरियर के ऊपर, मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा था और बहुत सारी चर्चा करना चाहता था और बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। और मैं अगर बात करूं कि उन लोगों ने कुछ कमेंट्स करके मुझे डिस्टर्ब कर दिया और मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ नया करने लगा। वहीं अगर मैं बात करूं, अजय देवगन ने वाकई में कम से कम नहीं तो अभी तक 8 प्रोमो, मतलब आज के टाइम में अभी तक कोई भी मूवी ऐसी नहीं आई है जो कि 8 प्रोमो उसके रिलीज कर दिए गए। और वाकई में आई थिंक मैंने भी लगातार कम से कम 10-15-20 वीडियो बनाने की कोशिश की और आप लोग को दिखाने की, बताने की कोशिश की, वाकई में तानाजी मालोसरे के बारे में बताने की कोशिश की और बहुत कुछ दिखाने बताया कि हाँ भाई वहाँ पे कैसा क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन सब कुछ आप लोगों ने मतलब पानी में फेर दिया और मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए, आप लोग के हिसाब से किस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ ये आप देख रहे हो। मैं पूरे बॉलीवुड को आप लोगों के सामने ला के रख दूंगा और बता दूंगा और दिखा दूंगा वाकई में। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि ये एक हिस्टोरिकल है कि आज तक मतलब कभी किसी ने ऐसा नहीं किया और कोई मूवी मेरी नज़र में नहीं आई। अगर आपकी नज़र में हो तो प्लीज़ बता देना कि इतने सारे प्रोमोस किसी ने रिलीज़ किए हों और वाकई में एक इंटरेस्ट बनाया हुआ है लोगों में कि आखिर तानाजी मालुसरे वाकई में, जब इतना मूवी में पैसा भी लगा है और सब कुछ लेकर दिखाने को तैयार है, एक पूरा बॉलीवुड, बॉलीवुड अगर हम बोलें तो पूरी तरह से बॉलीवुड आप लोग के लिए प्रोत्साहित है कि भाई तानाजी द अनसंग वॉरियर आप देखो। लेकिन कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं नहीं, उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन वाकई में जो बढ़ चढ़ कर इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं, वाकई में उन लोग के लिए एक सैल्यूट है और अजय देवगन को इस कमाई का पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। जबकि इस मूवी से उम्मीदें कुछ लगाई गई हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, कि ये मूवी बॉलीवुड को 300 करोड़ की सिर्फ उम्मीद की गई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कर सकती है और ज़्यादा ही कर सकती है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है इस मूवी का हाल और इस रिकॉर्ड ब्रेक न्यूज़ के लिए आप लोगों को क्या लगता है, वाकई में आने वाले टाइम में क्या इसी तरह से लॉन्चिंग होने लगेगी ट्रेलर्स की, क्या इसी तरह से लोग प्रमोशंस करेंगे, क्या अजय देवगन को कॉपी करेंगे लोग, क्या होगा आने वाले टाइम में आप बताइए, हमें कमेंट कीजिए और हम आपसे मिलने के लिए फिर से आएंगे। और आप लोग प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए यार, मज़ा आ रहा है। बाय बाय।